मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है। मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है। झूठ कहा, माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। पैंतालीस साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी के किसान, कितने किसानों ने अपनी जान ली। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में। बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे। मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की, टीवी पे आने चाहिए रोज। टीवी पे नरेंद्र मोदी रोज दिखाई देते, दिखते हैं ना, कितने घंटे दिखते हैं, दिन भर दिखते हैं ना भैया। ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, कितने का आता है, लाखों रुपए का आता है ना। तो ये नरेंद्र मोदी जो दिन भर टीवी पे बैठ दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी को आप टीवी पे देखते हो, नहीं देखते ना, तो इसका पैसा कौन दे रहा है, इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी आपका पैसा छीन कर दे रहे हैं। हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे कोर्ट्स में बैठे हों, चाहे वो मीडिया में बैठे हों, चाहे वो सरकारी ऑफिस में बैठे हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हों, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, धमकाया जाता है,
आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो यह आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, यह हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। यह है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।